मतलब आपकी पार्टी एमआईएम और मंचू भंजनवाड़ी एक साथ आएंगे, बाला साहब असद साहब मुलाकात करेंगे, राजनीति के आप अध्यक्ष साहब महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर देखिए अध्यक्ष होना पार्टी के हमारे फैसले जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लेते हैं और यकीनन वंचित के जो अध्यक्ष है बाड़ा साहब वो लेते हैं। और अगर दोनों को ये लगता है कि नहीं है, ये एक नेचुरल चॉइस है, ये हमारी बॉन्डिंग जो हुई थी, हमारा जो रिश्ता बना था, तो एक लोगों के अंदर एक नई चेतना, नई ऊर्जा जगी थी और उस चेतना के अंदर लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। उसमें दुर्भाग्यवश कि नहीं हो पाया है, लेकिन मैं समझता हूँ अब भी बहुत देर नहीं हुई है। लोगों की ख्वाहिश है, चाहे वो दलित समाज हो, मुसलमान हो, कि अगर हम एक साथ मिलकर आए तो बाड़ा साहब ही महाराष्ट्र के अंदर या तो किंग रहेंगे या किंग मेकर रहेंगे, हम हमेशा से ये बोलते हुए आए हैं। लेकिन अब उनकी पार्टी है, अगर उन्होंने फैसला किया है कि नहीं हमको इनके साथ जाना है, तो हर पार्टी का ये इख्तियार होता है, उनके अध्यक्ष का ये इख्तियार होता है कि नहीं मुझे इनके साथ अलायंस करने का, वो जा रहे होंगे तो हमारी शुभकामनाएं। सर आप पर्सनली कोशिश करेंगे सर आप ताकि एक अच्छा माहौल तैयार हो महाराष्ट्र में पर्सनली? देखिए हमारी कोशिश तो पिछले कई सालों से जारी है इसके अंदर। जी सर थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।